विदाई सवाल होता है, तो हर चीज का भी विदाई होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर लें कि अगर कोई जॉब करता है, ठीक है, अगर कोई जॉब करता है तो उसका रिटायरमेंट पे जो उसका जूनियर होते हैं वो विदाई समारोह कराते हैं, ठीक है। अब रिटायरमेंट इतना साल जॉब वैसे कम्प्लीट होगा टेन, उसके बाद ना एलवेंथ में जाएंगे, तो फेयरवेल अगर नहीं होगा तो लाइफ का आगे वाला जो पार्ट है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। कि वही पार्ट में रहना है क्या, वही रहना है ना, आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ओपन करना है। तो वही बात है कि अगर तो अब आप एकदम बिल्कुल एग्जाम का आप टेंशन ना लें, पहले एग्जाम का तो बिल्कुल भी ना लें, दूसरे का भी ना लें और तीसरे का। पहला एग्जाम दोगे तो आधा टेंशन वैसे ही खत्म हो जाए। पहला एग्जाम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम कभी ऐसा एग्जाम आप इस्लामी स्कूल के बाहर जाकर के नहीं। पहले बिहार बोर्ड में था, आठवें में एक बोर्ड एग्जाम होता था, प्रैक्टिस हो जाया करता था कि बोर्ड एग्जाम क्या है, तो एक गांव से दूसरे गांव में सेंटर दिया जाता है, तो तीन साल तक मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे पाइएगा। तो ये सब थोड़ा एक डर होता है कि ऑफिसर आते हैं चेक कर।